शाम हो गई है और देखिए मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे, स्पर्श सोया हुआ है, स्पर्श इसमें देख लो, इसमें देख लो। और अभी स्पर्श सुना रहा था अपने, इनको भी होमवर्क भी कराना है, जा रही हूँ होमवर्क कराने के लिए। बाहर अंधेरा नहीं हुआ है लेकिन शाम हो गई है, काफी अच्छा मौसम है, आराम से। तो सोचिए देखिए कैसे सो गया, फिर वापस से ऐसे सो गई है। और टाइम क्या हो गया अभी, टाइम 5:00 अभी हो रहा है 15 मिनट। शाम का नाश्ता सबने कर लिया है, कुछ ना कुछ 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 हम लोगों ने खा लिया है, तो नाश्ता वाश्ता कुछ बनाना नहीं है। भाई अभी गया है बाहर, तो वहाँ से ना छोले भटूरे का फ़ोटो भेज रहा था, पता नहीं अपने फ्रेंड के यहाँ गया है तो छोले भटूरे खाने के लिए गया था। ऑर्डर किया था मैंने कैनकेन स्कर्ट, वो आज वापस हो गया है, और लेकिन उसका देखो अब बैलेंस कब आता है, पता नहीं कब तक आएगा, लेकिन वापस हो गया है। तो मुझे दोबारा से कंप्लेन करना पड़ा था उन कस्टमर के। अभी हम लोग जा रहे हैं छत पे, भी छत पे आई हूँ मैं वॉक करने के लिए, स्पर्श भी मेरे साथ है यहाँ। इतनी शाम हो गई ना, मैं सोची कि चलो चलते हैं थोड़ा छत पे, काफ़ी टाइम हो चुके थे आए हुए। यहाँ सीढ़ियाँ, ये वाली सीढ़ियाँ है ना, वो छत को जाती है, इधर से छत को जाती है। चलो वॉक करो स्पर्श फटाफट फटाफट, और मैं बाहर दिखाती हूँ। ये देखिए अंधेरा अंधेरा अंधेरा, सन नहीं है। और ये शाम का ही टाइम था, स्पर्श को जो होमवर्क कराना था वो सब हो चुका है। और मम्मी यहाँ पे हॉल में बैठ के गोभी कट कर रही हैं। एक्चुअली ये इतने गोभी है ना, इस टाइम पे सुखा दिया जाता है और गर्मियों में ये यूज़ हो जाता है। सुखाने के बाद अच्छे से कंटेनर में बंद करके रखना पड़ता है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा ये टेस्टी नहीं लगता है, लेकिन घर में सब लोग खाते हैं। यहाँ पर ग्रेप्स निकाल रही थी स्पर्श के लिए खाने के लिए, क्योंकि वो मांग रहा था, तो मैं निकाल के फिर इसको वॉश करूँगी। और ये पापा लेके आए थे वहीं वाला है, तो मम्मी ने फ्रिज में डाल दिया था थोड़ा बहुत, अब देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, तो मैं इसी पतीले में निकाल के इसको वॉश करके फिर। और ये रात का टाइम था, मतलब 8:30 के आसपास का कुछ टाइम था, और इस टाइम पे वो मांग रहा था। वैसे तो मैं सोच रही थी कि ना दूँ, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। उसके बाद यहाँ पे जो तोरी होती है ना, उसको पकाया जा रहा है पापा के लिए, इसको चोखा बनाना है। और क्योंकि मैं आपको बताई थी आलू या फिर कोई भी चीज़ का ऐसे नॉर्मल सा जो चोखा होता है ना, वहीं पापा खा रहे हैं। और यहाँ पे वॉश हो चुका है, मैं आई थी अभी रूम में, और रूम में कपड़े फोल्ड करने थे, सारे कपड़े जो उतार के लेके आई थी ना सब यहीं पे पड़े हुए थे, तो इसको मैं फोल्ड करूंगी। लेकिन अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग मिलने वाली हूँ, तो बाय बाय गुड नाइट। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मैंने अमेजोन से कुछ शॉपिंग करी है ब्यूटी से रिलेटेड, वो सब सारी चीज़ें अभी आ चुकी है और मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। और एक बार में तो कोई नहीं आई, थोड़े थोड़े करके ना 3-4 दिनों में मुझे टोटल रिसीव हुई है। और जितने भी मैंने शॉपिंग करी है सारे काफ़ी मतलब एफोर्डेबल रेट में है मेरी जितनी भी शॉपिंग है, और मैंने अमेजोन से ये सारा कुछ मंगाया है। तो इसका बाय लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी, कॉमेंट में पिन कर दूंगी। अगर आप लोग को कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप लोग ले सकते हैं, और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माई हॉल लिंक होगा, उसपे मैंने जितनी भी अमेजोन से शॉपिंग करती हूँ उसमें सबका लिंक वहां पे दिया हुआ है, सो आप लोग चेकआउट कर लेना। यहाँ पे मैंने एक क्रीम को रिपीट किया है, जो मेरा डेली यूज में मैं जो क्रीम लगाती हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट परफेक्ट रेडियंस, तो उसको मैंने फिर से लिया है। बाकी सारे प्रोडक्ट डिफरेंट है और आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाले हैं। और चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ, सबसे पहला जो यहाँ पे मैं आपको प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ, ये सबकी सबको मैंने ओपन कर लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे पहले मैं दिखाती हूँ जो मैंने क्रीम मंगाया है लैक्मे एब्सोल्यूट परफेक्ट रेडियंस। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो पूछते हैं कि कौन सा क्रीम यूज़ करते हो, लास्ट टाइम भी मैंने आप लोग को दिखाया था, और इसको मैंने अभी ओपन भी नहीं किया, बस साइड से मैंने चेक किया था। कई बार ऐसा होता है ना कि डे क्रीम की जगह पर लाइट क्रीम आ जाता है, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है, डे क्रीम की जगह लाइट क्रीम आ जाता है, तो इसी वजह से मुझे चेक करना पड़ा था। तो ये लैक्मे एब्सोल्यूट परफेक्ट रेडियंस डे क्रीम विद सनस्क्रीन है, एंड
आप इसको रेगुलर यूज में लगा सकते हो, डेली यूज में लगा सकते हो। अगर आप अच्छी क्रीम ढूंढ रहे हो, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसको लगा सकते हो, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको थोड़ा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई करना पड़ेगा, देन आपको इस क्रीम को अप्लाई करना पड़ेगा। ये मैंने मंगाया है, बहुत बहुत टाइम से मैं यूज कर रही हूँ, कम से कम 5-6 साल से, 6 साल से ज्यादा हो गए मुझे इस क्रीम को यूज करते हुए, 6-7 साल हो गए होंगे, और मेरा ये फेवरेट क्रीम। देन मैं आपको दिखाती हूँ एक बहुत ही प्यारा सा मैं मेकअप बैग मंगाई हूँ, मतलब जैसे पोटली होती है ना, पोटली टाइप का। आप कभी भी कहीं भी जाते हो, या फिर जैसे मैं वहां से चंडीगढ़ से कभी घर आती हूँ, या फिर कहीं भी आप आउटिंग पे जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, उस टाइम पे इस थैले में ना बहुत अच्छे से आप लेके जा सकते हो। ये बड़े से डब्बे में मुझे रिसीव हुआ था, ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, और मुझे भी बहुत, मैं एक्चुअली ये ना पिंक कलर में मैंने ऑर्डर किया था, लेकिन मुझे इस कलर में रिसीव हुआ, लेकिन ये भी कलर बहुत ही अच्छा है। चलिए मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। ये आप देख रहे हो तरीके से ओपन करना है, आपको देख के लगेगा कि ये क्या है, ये तो बैग वैग तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन ये बहुत ही प्यारा सा बैग है। जैसे हमारा होता है ना कि हम ऐसे सामान को बिखेर के फिर हम मेकअप करते हैं या फिर क्रीम वगैरह निकालते हैं, तो उसी तरीके से आप सारे सामान यहाँ पे इसमें रख दो, या फिर ऐसे नहीं रखे जब ऐसे आपको रिसीव होता है। इसमें अंदर को मैं दिखा देती हूँ, जिप दिया हुआ है, और इसकी क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छा है, मतलब थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक का ही है लेकिन बहुत ही अच्छी है, मतलब खराब नहीं होगा। दो जिप इसमें दिया हुआ है, यहाँ भी जिप दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है, और यहाँ भी दो जगह इसमें जिप दिया हुआ है। और इसको हमें करना क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये दो यहाँ पे रस्सी दी हुई है जिसको हमें इस तरीके से खींचना है। जब हम खींचेंगे तो ये पोटली जैसा बन जाएगा, ये आप देख रहे हो ना कैसे पोटली जैसा बन गया, और मैं आपको खींच के दिखाती हूँ। देखिए ये पोटली जैसा बन गया, बहुत अच्छे से हम अपने सारे सामान इसमें रख सकते हैं, और कहीं भी जाते हैं तो हम लेके जा सकते हैं। मुझे बहुत ही ज्यादा ये पसंद आया था, और प्राइस मैं सबकी साइड में मेंशन कर दूंगी, या फिर मैं कॉमेंट बॉक्स में पिन करूंगी ना, उस लिंक पे जो भी होगा आप क्लिक करके इसका प्राइस पता कर सकते हो। अगर मुझसे हुआ तो मैं साइड में मेंशन कर दूंगी। और उसके बाद आप क्या करो, जब भी आप इसको खींच के बंद करने के बाद यहाँ पे आप इसको ऐसे सेट कर दो। बहुत ही प्यारा सा एक बैग बन जा रहा है, जिसमें आप कुछ भी रख सकते हो, लाइक आप ट्रेवल कर रहे हो तो अपने ब्रश वगैरह भी इसमें रख सकते हो, या फिर आपको मेकअप से रिलेटेड कुछ रखना है तो रख सकते हो, दवाइयां रखनी है तो रख सकते हो, बहुत सारे मतलब मल्टीपर्पज आप यूज कर सकते हो उसको। उसके बाद एक और मैंने बैग मंगाया है, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, एक्चुअली उसका कलर ना थोड़ा सा डिफरेंट आ गया है। एंड मैं आपको दिखाने वाली हूँ आई लैशेज जो मैंने मंगाए हैं, ये आई लैशेज के 3 के सेट हैं, बहुत ही प्यारे हैं। इसके पहले भी मेरे पास आई लैशेज थे, लेकिन वो वाला ना थोड़ा सा मेरा खराब हो गया है, तो इसलिए मुझे लेने थे, तो ग्लू भी मिला हुआ है जो यहाँ पे दिखाती हूँ। बहुत अच्छे से इससे आप लगा के, जो यहाँ पे आई लैशेज है ना, आप, मैं अपने सेकंड चैनल पे इसको लगा के दिखाऊंगी, आप लोग ट्यूटोरियल में देखना। बहुत अच्छे से इससे आप लगा सकते हो, और बहुत फिक्स हो जाता है, बिल्कुल भी निकलेगा नहीं, तो आप लोग वो वाला वीडियो चेकआउट करना, मैं जब डालूंगी तो इस पे बता दूंगी आप लोगों को। और इसमें 3 का सेट है, तीनों जो आई लैशेज है ना, तीनों का जो साइज है डिफरेंट है। कभी भी आई लैशेज आप लगाते हैं, अगर आई लैशेज आप मतलब आपके आई से थोड़ा सा बड़ा होता है तो आप उसको कट करके लगाना होता है, लेकिन लुक बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप मेकअप कर रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, फंक्शन में जा रहे हो, शादी वादी में, तो आप इसको लगा सकते हो और बहुत अच्छा लुक आएगा। देन इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मैंने मंगाया है एक आई शैडो पैलेट हुडा ब्यूटी का, और इस ये मुझे बहुत पसंद आया था। सो इसके कलर है ना, कलर इतने अच्छे थे, रिव्यू भी इसके इतने अच्छे थे, तो इसके साथ मुझे यहाँ पे मिला है ये लकड़ी का, इसमें हम सिंदूर रख सकते हैं, मतलब बहुत ही प्यारा सा है इसमें, और मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। पूरा वुडेन का है, और आप इस ऐसे तो मतलब हर जगह मिल जाता है, लेकिन इसके साथ ही मुझे ये रिसीव हुआ है। एक्चुअली ये सिंगल नहीं था, इसके साथ ये था, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा खूबसूरत ये लग रहा है। और इसको मैं चलिए ओपन करके भी दिखाती हूँ। देखिए आप इसमें सिंदूर रख सकते हो, और सिंदूर के लिए ही स्पेशली ऐसा होता है, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप रखोगे तो। मैं ड्राई वाला अक्सर लगाती हूँ, तो मैं इसमें तो ड्राई वाला सिंदूर ही रखूंगी इस वाली डिब्बी में। और ये है हुडा ब्यूटी का आई शैडो पैलेट, और इसकी प्राइस आई थिंक 400 के आसपास है। और मैंने इस बार थोड़ा सा आई मेकअप के लिए ना ज्यादा कुछ सामान लिया है, वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। और इसमें इसके कलर इतने अच्छे है ना, एक मुझे इसका जो सेट लगा जो थोड़ा सा शाइन कर रहा है, वो इस ऊपर से आप पैकेजिंग इसकी देख रहे हो, उसी तरीके इसके ऊपर मुझे ये था, फोम था, इसलिए रिसीव हुआ, क्योंकि हमारा जो आई शैडो है बहुत जल्दी टूटता है, थोड़ा सा अगर आने जाने में टूट गया तो ये इसके अंदर ये था। तो देखिए मैं ओपन करके इसके सारे कलर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें हमें मिल जाता है साथ में एक मिरर भी, ये आप देख रहे हो, मैं इसमें दिख रही हूँ, ये रहा।
तो इसमें हमें मिरर भी मिल जाता है। साथ ही मैं इसके कलर मैं दिखा रही हूँ, कलर इतना खूबसूरत है ना, ये वाला जो शिमरी कलर दिख रहा है ना, ये बहुत ही प्यारा है। मैं आगे आपको अपने मेकअप ट्यूटोरियल में लगा के भी दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारे प्यारे कलर है, शिमरी कलर भी है, नॉर्मल भी है। अगर आप एक ये आई शेडो पैलेट ले लेते हो तो आपका सारा जो टेंशन है ना आई शेडो से, ये कलर वो कलर, मतलब ऐसे मेन मेन कलर इसमें ऐसे दिए हुए हैं कि इससे आप करते हो तो सारे ड्रेसेस पे आपके मैच कर जाएंगे जो भी आप आई शेडो इसमें से लगाते हो। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, मैंने मेकअप ब्रशेज मंगाए हैं और मैंने मेकअप ब्रशेज दो मंगाए हैं। बहुत ही मतलब मैं ना बार बार खरीद खरीद के परेशान हो चुकी थी, मैं तीन बार मेकअप ब्रशेज मंगा चुकी हूँ लेकिन मेरे को कोई भी अच्छा रिसीव नहीं हुआ था। इस बार मैं काफी रिसर्च करने के बाद मैं अपना मेकअप ब्रश मंगाई हूँ, दो मंगाई हूँ। तो फर्स्ट ये वाला है जो 400 से थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि इसके बाद मैं बार बार इस पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहती थी मेकअप ब्रश में। सोची ना एक बार में ही मंगाती हूँ, अच्छा मंगाती हूँ ताकि अब बार बार मुझे खरीदना ना पड़े। तो इसमें टोटल हमें 12 मेकअप ब्रश मिल जाते हैं और ये मेकअप ब्रश बहुत ही अच्छा है। एक और मेकअप ब्रश मैं दिखाऊंगी, वो भी बहुत ही सारे हैं, मतलब 4-5 का सेट है, लेकिन मेरे को कोई भी पसंद नहीं आता था। कभी भी मैं मेकअप करती थी ज्यादातर मैं फिंगर अपने यूज करने लगती थी, लेकिन इस टाइम पे मैंने मंगाया, सब मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें टोटल 12 हैं और पूरा आपका मेकअप से, पूरा आपका मेकअप आई मेकअप के लिए तो स्पेशली आप समझ लो कि ये है। तो आपको जो भी, या तो फिर आपको लगाना है काजल, या फिर आपको आई शेडो लगाना है, हाइलाइटर लगाना है, स्पेशली हाइलाइटर लगाने के लिए आप देख रहे हो, हाइलाइटर लगाना है, या फिर आपको आई शेडो लगाना है, क्रीज लाइन पे आपको आई शेडो लगाना है, मतलब बहुत सारी कंसीलर का भी अलग अलग मेकअप ब्रश यहाँ पे दिया हुआ है, सारी चीजों के ना मेकअप ब्रश अलग। और सबसे खास बात इसकी बताऊं, ये जो भी मेकअप ब्रश दिया हुआ है ना, ये बहुत ही ज्यादा ये सॉफ्ट है। अगर हमारा ब्रश सही नहीं होता है ना तो हमारा मेकअप भी सही नहीं होता है, उभर के बिल्कुल नहीं आता है और वो मेकअप फील बिल्कुल बेकार लगता है। तो आपको मेकअप करने के लिए, आई शेडो लगाने के लिए सबसे पहले आपको अच्छा मेकअप ब्रश आपके पास होना चाहिए, तो आपका आई शेडो वैसे ही बहुत ही अच्छा लगेगा। सो आपको इसी पे ध्यान देना हो। इस तरीके से मुझे ये ऐसे ना पहले में आया हुआ है, रिसीव हुआ है, तो ये आप देख रहे हो। और एक और मैं मेकअप ब्रश साथ ही मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसकी पैकेजिंग मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी मैंने इंस्टा पे इसका रील भी डाला है, ये आप देख रहे हो, पैकेजिंग इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव है। ये मुझे 700 से ऊपर का पड़ा है, लेकिन मैं इसलिए ली हूँ क्योंकि मैं बार बार, मैं आपको बताया कि मैं मेकअप ब्रश में बार बार मैं खरीदना नहीं चाहती, ये मैं लास्ट टाइम ही खरीदी हूँ, इसके बाद जब मैं खरीदूंगी तो बताऊंगी, लेकिन मेरे ख्याल से मैं इसके बाद नहीं खरीदने वाली हूँ मेकअप ब्रश। तो ये इसकी पैकेजिंग आप देख रहे हो, स्विस ब्यूटी की ये मेकअप ब्रश है और इसको भी मैंने अमेजोन से ही मंगाया है। अमेजोन पे वैसे बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती हैं और ये ब्रशेज इतने अच्छे हैं ना, मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इसकी इसमें मुझे टोटल 6 ब्रशेज मिल जाते हैं। ये जो ब्रशेज इसमें सब पे नाम लिखे हुए हैं किस ब्रश से आप कैसे यूज कर सकते हो। तो ये कॉम्पैक्ट लगाने के लिए या फिर लूज पाउडर आपको लगाना है तो आप इससे लगा सकते हो, या फिर आपको ब्लश लगाना है तो आप इसको लगा सकते हो, बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो जाएगा। बाद में आपको दिखा देती हूँ, एक मैंने मंगाया है ब्लू हेवन का आईब्रो डिफाइनर। तो ये मुझे पड़ा था, आई थिंक ना 100 से नीचे का ही पड़ा है। ये आप मेकअप करते हो, हाँ मेरे पास ये प्रोडक्ट नहीं था, एक्चुअली मैं आईब्रो पेंसिल यूज करती थी, ये नहीं था, सो मैंने मंगाया। इसका पॉइंट देख रहे हो आप, इस तरीके से आईब्रो को डिफाइन कर सकते हो कंसीलर वगैरह लगाने के बाद। अभी मैं बंद करती हूँ। एक और मैं आपको प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाने वाली हूँ जो कि हम इससे अपने आईब्रोज बना सकते हैं, और इसको मैंने कभी यूज नहीं किया है, फर्स्ट टाइम यूज करूंगी और यूज करने के बाद अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। तो ये मुझे मंगाना था, मैं काफी टाइम से इसको सोच रही थी क्योंकि जब भी लॉकडाउन हुआ था ना उस टाइम पे आईब्रोज वगैरह बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो ये सेल से चलता है, पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है और परफेक्ट फॉर आईब्रोज के लिए ही स्पेशली है ये। तो चलिए मैं इसको ओपन कर देती हूँ। ये पेन की तरह है और इसमें ज्यादा पेन वगैरह, जब भी हम आईब्रो बनाते हैं ना तो पेन वगैरह नहीं होगा। इसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पे इसके साथ एक दिया हुआ है, यहाँ पे सारा डिटेल इसमें मेंशन है, किस तरीके से बैटरी लगाना है, किस तरीके से आपका अगर हेयर इसमें फंस जाता है तो उसको रिमूव करना है। ये बस मैं आपको हॉल वीडियो दिखा रही हूँ, आगे आपको दिखाऊंगी कि इसको यूज कैसे करना है। अगर जानना चाहते हैं तो आप लोग कॉमेंट करना जरूर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक पेन की तरह है, आपको यहाँ पे पेन की तरह ही दिखेगा और आपको जब भी आईब्रोज निकालना है ना उसी शेप में, बस आपको इस तरीके से हैंड से अच्छे से पकड़ के और आपको यहाँ के हेयर निकालने होंगे। बहुत इजीली निकल जाएगा, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है, आराम से आप निकल सकते हो। अगर चाहते हो आपको लेना तो आप लोग चेकआउट कर लेना। और इसको ऑन ऑफ, तो यहाँ पे ये ऑन हो जा रहा है और इस हम अपने हेयर को निकाल सकते हैं, आईब्रोज के हेयर को। तो आगे मैं वीडियोज में दिखाऊंगी, ऑफ कर देती हूँ, उसमें एक सेल लगता है, आप लोग देख लेना, अगर आपको लेना हो, इंटरेस्टेड हो आप तो ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाती हूँ। जो आपको दिखाने वाली हूँ वो है एक और बैग,
जो मैंने ऐसे ही लिया है ट्रेवल के लिए, या फिर घर में कोई भी चीज हम रख सकते हैं। एक्चुअली इसी का मैंने बताया, इसका मैं जो कलर था वो मैं थोड़ा सा अलग ऑर्डर करी थी, लेकिन ये मुझे कलर, ये ब्लू कलर रिसीव हो गया। मैं स्काई ब्लू ऑर्डर करी थी, वो कलर मुझे बहुत ही प्यारा लगा था, लेकिन चलो रिसीव हो गया, कोई बात नहीं। इसको मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। आप कुछ भी रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। इस तरीके से इसमें बहुत सारा स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे पॉकेट दिए हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ भी आप अपना मेकअप का सामान या फिर ट्रेवल में जाते हो कुछ भी रख सकते हो। घर में है अगर दवाइयाँ रख सकते हो, बहुत सारी चीजें इसमें, जिप वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। एंड इस दोनों के साइड में भी यहाँ पे दिया हुआ है जिप, ये देख रहे हो आप, ये दोनों साइड में जिप दिया हुआ है, तो इसका साइज भी बहुत अच्छा खासा दिया हुआ है। इसकी प्राइस आई थिंक मुझे याद नहीं है, मैं साइड में मेंशन कर दूंगी। तो सारे प्रोडक्ट मैंने आपको दिखा दिए, तो मेरी अमेजोन हॉल कैसी लगी आप लोग जरूर बताना।